वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे सेहतमंद होंगे खुशहाल होंगे और अभी है मॉर्निंग का टाइम गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अभी सुबह के बज रहे हैं अभी सुबह के बज रहे हैं सवा आठ आठ बज के पंद्रह मिनट और मैंने बालों को देखो कैसा कर दे। पूरे बाल मेरे बिखरे हुए आ, ये देखिए पानी भी गिर रहा है बालों से तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं बालों को पोछूं क्योंकि फटाफट से मुझे करनी है पूजा और रक्षाबंधन आने वाला है तो उसके लिए जो है अभी से हम लोग को एक रस्म करनी पड़ती है जो कि मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोग भी रक्षाबंधन पर ये चीज़ करते हो कौन सी चीज़ करने वाली हूँ ये वन टाइप ऑफ पूजा है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी चलो मम्मी ने ना पूजा के बर्तन वगैरह धो दिए हैं तो मैं और मम्मी हम दोनों मिल करेंगे और श्रेय जा चुके हैं अपने स्कूल अभी जस्ट गया है उसके बाद फिर मैंने शावल लिया क्योंकि अब उसके स्कूल का टाइम थोड़ा सा लेट हो गया आठ बजे का हो गया है आठ बजे उसकी स्कूल की वैन आती है और उसकी सारी तैयारी वगैरह करके हाउस क्लीनिंग वगैरह सुबह में किया और मैंने कहा चलो आज अर्ली मॉर्निंग से नहीं लेट मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट करूँगी क्योंकि क्या होता है ना अर्ली मॉर्निंग में मेरा रहता है बेसिकली सफ़ाई का ज़्यादा काम रहता है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मैंने कहा चलो अभी से स्टार्ट करती हूँ ओके सो so, मैं हो गई हूँ रेडी और अब करूँगी पूजा और यहाँ पे मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है उनको नहला धुला कर तिलक करके और आजकल मैं करने लगी हूँ रामायण का पाठ पता नहीं क्यों जिस दिन मैं पाठ नहीं करती ना उस दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पता नहीं ऐसा लगता है कुछ तो मिसिंग है दिन में ऐसा कुछ तो पूजा होने के बाद मैंने कहा चलो आप सभी लोगों को दर्शन करवा देती हूँ और ये हरियाली तीज थी ना तो उसी दिन हम लोगों ने कृष्ण कन्हैया लाल का इस तरीके से झूला रखा था और अब इनकी ना जन्माष्टमी तक पूजा ऐसे ही होगी और मैं सभी से बोलना चाहूँगी प्लीज़ आप अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग पाठ कीजिए पूजा कीजिए चौबीस घंटों में से कम से कम कुछ मिनट्स ऊपर वाले को दीजिए भगवान जी को दीजिए आपके जो भी इष्ट देव हैं उनको दीजिए क्योंकि देखिए क्या होता है ना जो भी हम पूजा पाठ करेंगे जो भी हमारे अंदर संस्कार है जैसा हम अच्छा कार्य करेंगे हमें देख के हमारे बच्चे अच्छा सीखेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल होगा है नाम रा सब दाता फल अनुगामी महीप मुनि मन अभिलाषो तुम्हार, श्यावर रामचंद्र की और यहाँ पर मम्मी जी ने भी नहा लिया है देखिए तुलसी जी की पूजा हो गई है दिया जल रहा है और उसके बाद यहाँ पर मैं और मम्मी दोनों ही मिलकर यहाँ पर ये जो जौ है इनको हम बोएंगे इसी मिट्टी में जो कि मम्मी छोटे छोटे दोने बना कर लाई हैं और एक साइड पर भी मिट्टी रखी है नीचे जमीन पर उस पर भी हम ये जौ है वो डालेंगे क्योंकि हमारे वहाँ क्या होता है ना रक्षाबंधन के सात या आठ दिन पहले इस तरीके से जौ जो, जो है घर में मिट्टी में बोए जाते हैं और दोनों टाइम उनकी पूजा की जाती है सुबह शाम और रक्षाबंधन तक काफ़ी अच्छे ये ग्रो हो जाते हैं कहते हैं कि इस तरीके से ये जो पूजा है इसको करने से आपके घर में सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होती अन्नपूर्णा पूर्णा माँ सदैव आपके घर में बनी रहती है तो ये करने के बाद उसके बाद फिर मुझे बस लगता है ना कि चाय चाहिए तो बस यहाँ पर मैं चाय बनाने लगी हूँ मैं अपने लिए मम्मी जी के लिए और इनके लिए ये भी आ गए थे फार्म पर घूम घाम के तो मैंने कहा चलो तीनों लोग हैं तीनों लोग के लिए बना देती हूँ चाय फिर सब लोग मिल पी लेंगे और यहाँ पर ना लाइट आ रही थी मैंने कहा चलो इंडक्शन पर ही चढ़ा देती हूँ फटाफट हो जाएगी क्योंकि गैस पे इतना जल्दी नहीं होता इंडक्शन पे काफ़ी जल्दी इससे हो जाता है चाय बनके तैयार है अब हम सब लोग मिलके चाय पियेंगे उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे अच्छा सुबह सुबह ना मुझे इतना सारा काम होता है कि देखिए बालों में से पानी गिर रहा है लेकिन बाल मुझे ड्राई करने का टाइम नहीं है क्योंकि चाय पी के ही फिर कपड़े मैंने लोड कर दिए थे तो कपड़े ड्राई हो गए थे मैंने कहा चलो कपड़े डाल देती हूँ पता नहीं कब बारिश आ जाए क्योंकि बारिश का मौसम है कुछ ठिकाना नहीं रहता है पता नहीं कब बारिश आ जाए या तो फिर ना भी आए तो बेटर है कि अभी धूप है कि जल्दी कपड़े सूख जाए दोपहर तक तो सूख ही जाते हैं मेरे कपड़े तो मशीन में से निकाल के कपड़े डाल दिए सूखने के लिए और कुछ टाइम मैंने बैठा मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़े आप लोगों के हस्बैंड के साथ थोड़ी सी कुछ बातें वगैरह करी और उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए और कुछ तैयारी जो है मम्मी जी कर गई थी क्योंकि मुझे ना जो ये पॉइंटर वाली फिंगर होती है ना वहाँ पर मुझे चक्कू लग गया था तो थोड़ा सा मुझे दर्द हो रहा था और उसमें बल्कि मिर्ची वगैरह लग जाए तो और भी ज़्यादा दर्द होता है तो यहाँ पे ना मम्मी ने मसाला वगैरह कर दिया था प्याज काट दी थी बस मुझे बैंगन में ना ये मसाला भरना था और आज मैं बना रही हूँ भरवा बैंगन मसाला जो है ज़्यादातर मैं भरवा बैंगन का मम्मी से ही बनवाती हूँ वो पता नहीं क्यों उनके हाथों का अच्छा लगता है टेस्ट ही अलग हो जाता है तो बस यहाँ पर मैंने बैंगन को अगर बड़े हैं तो मैंने ज़्यादा कट लगाए हैं छोटे छोटे बैंगन है तो चार कट लगाए हैं उनमें अच्छे से मसाला फिल कर देना है उसके बाद कढ़ाई में लेना है मस्टर्ड ऑयल भरवा बैंगन मस्टर्ड ऑयल में बनाइए आपका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा सब्जी का और एक चम्मच मैथी एक चम्मच जीरा डाल के उसमें प्याज डाल दिया और प्याज डालने के तुरंत बाद ही हमें ये भरवा बैंगन जो हमने फील किए ना बैंगन वो डाल देंगे मेरे पास ना काले वाले बैंगन नहीं थे वरना काले वाले बैंगन की बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है भरवा बैंगन की यही वाले बैंगन थे तो मैंने इसी को ही बना दिए थोड़ा सा जो मसाला था उनके ऊपर रख दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया और ये लंबे लंबे कटे हुए आलू डाल दिए बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी ये बहुत ज़्यादा एक बार आप ट्राई कीजिए बहुत ही टेस्टी लगती है अच्छा इसका मसाला मैं बता देती हूँ इसके मसाले में है एक चम्मच राई एक चम्मच मैथी एक चम्मच खड़ी धनिया एक चम्मच जीरा एक चम्मच सौंप ये चारों पाँचों मसालों को अच्छे से भून के पीस लेना है और हल्दी का पाउडर मिर्ची का पाउडर गरम मसाला मिक्स करके और हमें ये बैंगन में जो है भर लेना है तो यहाँ पे मैंने दो तीन मिनट ना ऑयल में ही मसाले में इस तरीके से भून लिए उसके बाद मुझे लगा कि अब चिपकने वाले हैं थोड़ा सा फिर मैंने पानी डाल दिया पानी डाल के थोड़ा सा हमें पकाना है बंद करके अच्छा पूरा बंद नहीं करना है थोड़ा सा खुला रखना है उसके बाद आपको लगे कि बैंगन पक चुके हैं पूरी अच्छे तरीके से उसके बाद ही आप टमाटर डालिए तो ने यहाँ पर ना मैंने दो टमाटर डाल दिए हैं फिर से पानी डाल के दो पाँच मिनट और पकाऊंगी क्योंकि टमाटर को भी पकाना है ना उसके बाद फिर हम इसको बंद कर देंगे और यहाँ पर मैं ना पाँच मिनट वाला रायता बना रही हूँ देखना है रेसिपी देखिए यहाँ पर मैंने लस्सी ले ली है उसमें एक चम्मच जीरा पाउडर एक चम्मच मिर्ची का पाउडर एक चम्मच काला नमक एक चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी मैंने बूंदी डाल दी है अच्छे से मिक्स कर दिया और ये पाँच मिनट वाला फटाफट से रायता बन के तैयार है इस सब्जी के साथ ना रायता या छाछ बहुत अच्छी लगती है तो देखिए यहाँ पे सब्जी भी पक चुकी है और पति देव जी को मैं रूम में देखने गई तो ये अपना कर रहे थे काम फिर मैंने उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया और देखिए काम कर रहे हैं साथ में टी भी चल रही है ये है आटा मैंने पहले ही गोथ लिया था तो वो काफ़ी अच्छे से सेट हो गया था मैंने कहा चलो लगे हाँ तो रोटियाँ बना देती हूँ क्योंकि क्या होता है ना गर्मी इस टाइम इतनी भयंकर लगती है ना कि पूछो मत मेरा तो फिर भी किचन काफ़ी खुला है तो गर्मी कम लगती है वरना बहुत सारे लोगों के घर ना किचन एकदम बंद होता है मुझे तो बंद किचन में सफोकेशन होने लगता है तो बस यहाँ पर मैं फटाफट रोटियाँ सेक दूँगी और तभी ना पापा की आवाज़ आई कि पापा आ गए थे और मम्मी जी थी नहीं घर पे तो मैंने कहा चलो पापा को भी थाली लगा के दे ¡Gracias! अच्छा हमारे वहाँ क्या होता है ना ससुर जी जो होते हैं उनको हम लोग पर्दा करते हैं घूंघट करते हैं मुंह ढकते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जब भी मैं सर्व करने आती हूँ मेरा मुंह ढका होता है क्योंकि मैं उनको घूंघट शुरू से करती आई हूँ इस तरीके से तो मैं अभी भी करती ही हूँ हाँ अगर मैं सूट वग़ैरह पहने होती हूँ तो मैं दुपट्टा डाल लेती हूँ लेकिन घूंघट तो करती ही हूँ लेकिन उनकी ऐसी सोच नहीं है वो बहुत ही ऊँचे विचारों वाले हैं उनको ऐसा नहीं है कि मुझे घूंघट करना ही है लेकिन क्या है ना मैंने शुरू से किया है तो अब एकदम से मुंह खोल भी नहीं सकते मुझे एक अपने आप में शेम फील होता है ओके okay, तो यहाँ पर मैं खाने लगी हूँ खाना सब लोगों को खाना खिला दिया था मम्मी जी को खाना देकर आई हूँ वो पापा जी के साथ ही खा रहे हैं और यहाँ पर देखिए हमारी चल रही है मस्ती वो डब्बा इस साइड कर रहे हैं मैं डब्बा उस साइड कर रही हूँ ऐसे ही चलती रहती है वैसे हम लोग बेड पे नहीं खाते हैं खाना लेकिन क्या हुआ ना लाइट आ रही थी और बाहर बहुत ही गर्मी लग रही थी इस वजह से हम लोगों ने रूम में ही खाना खा लिया था काम फिनिश करने के बाद अब मैं करूँगी रेस्ट और यही मेरा बेस्ट टाइम है पता है चौबीस घंटों में से पूरे दिन में से ये टाइम मुझे मिलता है कि मैं खुद के लिए दे पाती हूँ और आज ये गए नहीं हैं तो घर पर ही रहेंगे वो श्रेय को अभी दो घंटे हैं जब तक मैं अपना वीडियो का एडिटिंग कर लूँगी या तो फिर मुझे हेयर केयर करना होगा क्योंकि मैंने ना बहुत दिनों से अपने बालों में हेयर ऑयलिंग नहीं करी तो मैं सोच रही हूँ कि चलो हेयर ऑलिंग कर लेती हूँ अच्छे से और दोपहर भर के लिए तीन चार घंटे के लिए छोड़ दूंगी उसके बाद फिर शाम को जाके फिर वॉश करूंगी एंड हाँ मुझे ना एक कमेंट बहुत आता है कि मैम आप कहाँ से हो आप कहाँ से हो ये कमेंट मुझे इंस्टाग्राम पर भी आता है फेसबुक पर भी आता है और यूट्यूब पर भी आता है क्योंकि मेरे तीनों ही जगह मेरे अकाउंट हैं यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक एंड यूट्यूब और तीनों के जो अकाउंट नेम है सेम है प्रिया एम सिंह यूट्यूबर इंस्टाग्राम का थोड़ा सा डिफरेंट है वो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा वहाँ पर भी मेरे आप रील्स वीडियो देख सकते हो और हाँ मुझे ये बहुत आता है मैम आप कहाँ से हो तो आज मैंने कहा चलो स्क्रीन पर ही बता देती हूँ सबको मैं यूपी से हूँ यूपी मीनस उत्तर प्रदेश और अब प्लीज़ मत पूछेगा क्योंकि मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ ये क्वेश्चन सुन सुन के अगर हाँ अगर आपको मेरे बारे में और भी जानना है मैं कहाँ से हूँ क्या करती हूँ मेरे घर के मेंबर्स के बारे में जानना है मेरे हस्बैंड की जॉब के बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसके ऊपर मैं डिटेल में एक स्पेशली वीडियो बना दूंगी लेकिन पहले आप कमेंट कीजिए ओके तो मैं इसी के साथ ब्लॉग को करती हूँ एंड मिलता है आपको नए ब्लॉग में जब तक के लिए आप खुश रहिए पॉजिटिव रहिए हेल्दी रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग Bye.